हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसी कमिटीज और कमिशन्स के बारे में जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से रिलेटेड सजेशंस दिए सर लेट्स स्टार्ट द टॉपिक तो इंडिया में अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो वो अलग अलग स्टेजेस के थ्रू गुजरे हैं बल्कि इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले भी रिफॉर्म्स होते रहे हैं पर उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे और भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ओरिजिन के तीन मेन रीजंस होते हैं फर्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस सबसे पहले आते हैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस का नतीजा होते हैं जैसे कि स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन या चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी या कोई पॉलिटिकल स्कैंडल फिर आते हैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कि होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द रिफॉर्म कमिटीज एंड कमीशन इसमें आते हैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कि कमिटीज एंड कमीशन की रिकमेंडेशन का रिजल्ट होते हैं फिर आते हैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कि सेंट्रल एजेंसी द्वारा किए जाते हैं जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल तो इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है गवर्नमेंट ने हमेशा ऐसी कमेटीज और कमिशन्स बनाए हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रेकमेंड करे लाइक द बलवंत राय मेहता कमेटी तो अकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने में तो ये एक लिस्ट है जो इंडिया में इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं उनसे रिलेटेड आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें सबसे पहली है रिपोर्ट ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ 1946। ये रिपोर्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है इसलिए इसको यहां पर इंक्लूड किया गया है हालांकि हम सिर्फ उन्ही कमेटीज और कमीशन को डिस्कस करेंगे जो कि इंडिपेंडेंस के बाद के हैं तो बहुत सी ऐसी कमेटीज हैं और कमीशन हैं और उनकी रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के प्रति कंट्रीब्यूट किया है पर उन सबको एक साथ समझना बहुत मुश्किल है तो हम सिर्फ कुछ चुनिंदा कमिटीज और कमीशन को समझने वाले हैं बाकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है विच इंक्लूड्स द सेक्रेटरीट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी द सेंट्रल पे कमीशन द रिपोर्ट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑन द एफिशियडक्ट ऑफ स्टेट एंटरप्राइज द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशियंसी बाय आर ए गोपाल स्वामी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बाय पॉल एच एपल बी रेलवे करपशन एंक्वायरी कमिटी नोट ऑन चेंजेसरी एंड फाइनेंशियल कंट्रोल एज वेल एज द री एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया तो एक तरफ कमिटीज कमिशन और उनसे रिलेटेड रिपोर्ट के नाम हैं और जिनका ब्रैकेट में नेम मैं वो उन कमिटीज और कमिशन के चेयरपर्सन है जिन्होंने उनको हेड किया था इसके बाद आते हैं द पब्लिक सर्विसेज कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी सेकेंड पे कमीशन स्टाफ वेलफेयर रिव्यू कमेटी रिपोर्ट ऑन इंडियन एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन The Third Central Pay Commission, Committee on Recruitment Policy and Selection Method, Ashok Mehta Committee on Panchayati Raj Institution, National Police Commission, Economic Administration Reforms Commission, Fourth Central Pay Commission, Sarkaria Commission, Committee to Review the Existing Administrative Arrangements, Committee to Review the Scheme of Civil Services Examinations, Dr. Raja J. Chalaya Committee on Tax Reforms. एज वेल एज द फिफ्थ पे कमीशन रिपोर्ट इसके अलावा भी बहुत सारी कमीशन और कमेटीज हैं बट उसको मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर पाई हूं। तो चलिए इनमें से जो इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटीज हैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं अब समझ लेते हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटीज के बारे में जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन दिए जरूरी नहीं है कि उनको इम्प्लीमेंट किया गया बट इन रिकमेंडेशन को दिया जरूर गया जिसमें सबसे पहले आती है सेक्रेटरिएट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1947 में सेटअप किया गया था और इसके हेड थे श्री गिरजा शंकर बाजपाई। इस कमेटी से ये सजेशंस मांगी गई थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है उससे कैसे डील किया जा सकता है तो इस कमेटी ने यह सजेशन दिया कि जो मैन पावर एग्जिस्ट करती है उसे हमें मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो पर्सनल्स हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए इसके अलावा उन्होंने ऐसे मेजर्स भी सजेस्ट किए जिनके थ्रू डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स में इम्प्रूवमेंट आ सके फिर उसके बाद आती है एन गोपाला स्वामी अयनगढ़ की रिपोर्ट ऑफ 1949, जिसका नाम था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन दिए जैसे कि मिनिस्ट्रीज की ग्रुपिंग कर देनी चाहिए लाइक कैटेगराइजिंग दैम इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पर्सनल की कैपेबिलिटीज में इम्प्रूवमेंट लाने का रिकमेंडेशन दिया और साथ ही साथ ओ एंड एम डिवीजन की वर्किंग के बारे में भी रिकमेंडेशन दिया ओ एंड एम डिवीजन का पर्पज़ होता था दूसरी मिनिस्ट्रीज के पर्सनल के साथ क्लोज कॉपरेशन में काम करना इस रिपोर्ट का कंट्रीब्यूशन ये माना जाता है दैट इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफेंस कमेटी इकोनॉमिक कमेटी पार्लियामेंट्री एंड लीगल अफेयर्स कमेटी एज वेल एज द एडहॉक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कमेटी फिर उसके बाद आती है ए डी गौरवाला कमेटी ऑफ 1951। फिफ्टी ये हेड की गई थी श्री ए डी गौरवाला द्वारा जिन्होंने जुलाई 1951 में प्लानिंग कमीशन को दो रिपोर्ट सबमिट करी पहली रिपोर्ट में उन्होंने रेकमेंड किया कि एडमिनिस्ट्रेशन में ओ को लाने की जरूरत है जिसके बारे में अयनगढ़ रिपोर्ट में भी बात हुई थी साथ ही साथ गोडवाला कमेटी की रिपोर्ट में स्ट्रेस दिया गया एफिशिएंसी को एनहेंस करने में सिविल सर्विसेज में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाने में और इसमें एक और रेकमेंडेशन दी गई कि पॉलिटिकल लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में एक कंजीनियल रिलेशनशिप या सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने की जरूरत है फिर उसके बाद आती है पॉल एच एपल बी रिपोर्ट विच कंसिस्टेड ऑफ टू रिपोर्ट पॉल एपल एक अमेरिकन एक्सपर्ट थे जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए और उनकी जो पहली रिपोर्ट थी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट ऑफ अ सर्वे ऑफ 1953 वो डील करती थी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रैक्टिसेस से एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन की से ये एप्पल भी ही है जिनकी रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था उन्होंने भी हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में ओ एन एम डिविजन को सेकेंड रिपोर्ट है विच इज द री एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया उसने गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स में बीपीआर को लाने की बात करी बीपीआर होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग विच मीनस की गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस लाइक रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि उन ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके फिर उसके बाद आती है कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट्स ऑफ 1956। इसने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ नॉर्म्स वर्क मेथड्स और टेक्निक्स की बात करी और इसका मेन एम ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से प्लान को इंप्लीमेंट कर सके फिर उसके बाद आती है बलवंत राय मेहता कमेटी ऑफ 1957, जो कि एक लैंडमार्क है और यह कमेटी सबमिट करती है एक रिपोर्ट ऑफ द टीम फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ नवंबर नाइनटीन और इसमें वो रेकमेंड करती है पंचायती राज जिसको की नाम दिया जाता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो इस कमेटी ने यह रेकमेंड किया कि लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल गवर्निंग बॉडीज को हैंड ओवर करने की जरूरत है जैसे कि ग्राम पंचायत पंचायत समिति या जिला परिषद दिस वॉज फॉलोड बाई बी टी कृष्णमाचार्य रिपोर्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी टू जिसमें सिविल सर्विस से रिलेटेड रिफॉर्म सजेस्ट करे गए कि जो डायरेक्ट रिक्रूटीज होते हैं आई में उनके नंबर को इनहेंस किया जाए इंक्रीज किया जाए साथ ही साथ ट्रेनिंग के सिस्टम को भी इंप्रूव किया जाए और आई लिए रेगुलर रेफ्रेशर कोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन टू जिसको कि संथनाम कमेटी भी कहा जाता है क्योंकि वो इस कमेटी के चेयरमैन थे तो इस कमेटी का काम था करप्शन के कॉजेस को देखना और ऐसे मेजर्स को सजेस्ट करना जिनके थ्रू करप्शन को कम किया जा सके तो इस कमीशन की फाइंडिंग ये रही कि सिविल सर्विसेज अपनी पावर का मिसयूज करते हैं और इसी वजह से हरासमेंट मैल प्रैक्टिस और करप्शन बढ़ती है एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने 137 थर्टी सेवन रेकमेंडेशन दी थी, थी जिसमें से 106 हंड्रेड सिक्स रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था गवर्नमेंट द्वारा और वो बहुत सारी रिकमेंडेशन थी जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रेकमेंडेशन ये थी कि सिविल सर्वेंट्स अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करें ओम्बमैन को एस्टेब्लिश किया जाए और इसके साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट विजिलेंस कमीशन को भी सेट किया जाए जो कि 1964 में एस्टेब्लिश हो भी गया था साथ ही साथ इन्होंने ये भी रेकमेंड किया था कि जो रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलनी चाहिए इसके अलावा लॉज रूल्स प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ताकि लोग करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हों और फिर आता है द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ 1966, सिक्सटी सिक्स जिसको कि सेटअप किया गया था जनवरी 5, 1966 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री के हनुमंतैया हालांकि जो इसके इनिशियल चेयरमैन थे वो थे मोरारजी देसाई तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उन्होंने 1966 से 1970 के बीच में 20 रिपोर्ट सबमिट करी जिनमें 500 से ज्यादा रिकमेंडेशन थी 537 to be exact. these twenty reports take a screenshot of sakte. Hai. It consisted of the reports on the problems of redress of citizens' grievances, on machinery for planning, on public sector undertakings, on finance accounts and audit, economic administration, machinery of government of India, Life Insurance Administration, Central Direct Taxes Administration, Administration of UTs and NEFA. पर्सन administration एडमिनिस्ट्रेशन डेलीगेशन ऑफ and एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सेंटर स्टेट state स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल स्केल सेक्टर्स रेलवे ट्रेजरीज post and telegraph पोस्ट एंड टेलीग्राफ scientific वेल साइंटिफिक डिपार्टमेंट तो ये बीस रिपोर्ट्स थी तो इस कमीशन को इसीलिए बनाया गया था कि ये ऐसे रिफॉर्म सजेस्ट करे जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आ सके एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफॉर्मिटी के साथ काम कर सके सो दैट पब्लिक सर्विसेज लोगों तक ईजी तरीके से पहुंच सके और जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके तो इस कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी जिनमें से मैं आपको कुछ चुनिंदा रिकमेंडेशन बता देती हूँ पहली रिकमेंडेशन ये थी कि क्लास वन सर्विसेज के लिए एक सिंगल कंपेटिटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए और साथ ही साथ एज लिमिट को भी 26 साल तक या 26 सिक्स ईयर तक रेज कर देना चाहिए क्लास टू सर्विसेज में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट का एक नया प्रोसीजर तैयार करना चाहिए इसके अलावा एक नेशनल पॉलिसी ऑन सिविल सर्विस ट्रेनिंग तैयार करनी चाहिए सिविल सर्विसेज ट्राइब्यूनल्स को स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि सिविल सर्वेंट्स के बीच में एक डिसिप्लिन आ सके वो अपने कंडक्ट पर ध्यान दें, और यहाँ तक कि प्रमोशन से रिलेटेड भी प्रॉपर गाइडलाइंस तैयार करनी चाहिए ताकि सभी सिविल सर्वेंट्स के माइंड में एक क्लैरिटी आ पाए कि प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी फर्स्ट ए की फिर उसके बाद आती है कोठारी कमेटी ऑफ 1976, जिसके चेयरमैन थे श्री डी एस कोठारी ये भी ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल ग्रुप ए एंड बी सर्विसेज की रिक्रूटमेंट से डील करती थी और इसका मानना था कि सिविल सर्विसेज में जो ट्रेनिंग प्रोसेस होती है उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है इसके अलावा उन्होंने एक टू स्टेज एग्जामिनेशन प्रोसेस को रेकमेंड किया था जिसमें पहली स्टेज में एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और दूसरी स्टेज में मेन एग्जामिनेशन होगा

ऐसे केसेस में जहां एक इंसान की पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है या वो बैडली हर्ट होता है या ऐसे केसेस में जहां पुलिस फायरिंग की वजह से दो से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है तो इस प्रकार के केसेस में मैंडेटरी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए एनपीसी या नेशनल पुलिस कमीशन में ये माना गया था कि पुलिस ऑफिशियल्स तब तक बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इफेक्टिवली काम नहीं करेगा तो एक ऐसी बॉडी को स्टैब्लिश करने की जरूरत है जो सभी डिपार्टमेंट्स की प्रोग्रेस को इवेल्यूएट कर सके साथ ही साथ एफ रजिस्ट्रेशन के बारे में इनकी रिपोर्ट्स में यह रिकमेंड किया गया था कि एफ को ऐसी जगह पर भी रजिस्टर कराया जा सकता है जहां पर क्राइम ना हुआ हो बेशक क्राइम जहां पर हुआ हो वो पुलिस स्टेशन की जुरिस्टिक्शन से बाहर हो क्योंकि लेटर ऑन एफ रिपोर्ट को कंसर्न पुलिस स्टेशन के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसके बाद आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ 1981, जिसके चेयरमैन थे श्री एल के झा इस कमीशन ने भी अपनी कुछ रिपोर्ट सबमिट करी थी जिनका मेन पर्पस ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाए बदलते समय के अनुसार रेलिवेंट बनाया जाए उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाए फिर आती है द कमीशन ऑन सेंटर थ्री पॉलिटिकल साइंस में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है इसके चेयरमैन थे श्री आर एस सरकारिया और ये सेंटर स्टेट रिलेशन से ही डील करती थी सरकारिया कमीशन रिपोर्ट में 247 फोर्टी सेवन रिकमेंडेशन दी गई थी जो कि 19 चैप्टर्स में डिस्कस की गई हैं और इसका मेन रिकमेंडेशन काउंसिल को स्टेब्लिश किया जाए जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन को इम्प्रूव कर सके फिर आती है सतीश चंद्र कमेटी ऑफ 1989, हेडेड बाय सतीश चंद्र जिसका मेन रिकमेंडेशन यही था कि सिविल सर्विसेज के लिए एक कंबाइंड एग्जामिनेशन होना चाहिए फॉर सर्विसेज लाइक आई ए एस आई एफ एस इंडियन पुलिस सर्विसेज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज इंडियन इनकम टैक्स सर्विसेज इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज फिर आती है चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ नाइनटीन नाइनटी सेवन इस कॉन्फ्रेंस में एक एक्शन प्लान को डिस्कस किया गया था और ना ही सिर्फ डिस्कस किया गया था बल्कि उसको अडॉप्ट भी किया गया था ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मे नाइन नाइन सेवन और इसको इम्प्लीमेंट किया जाना था बाय बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स तो इस एक्शन प्लान के तीन मेन एलिमेंट्स या कॉम्पोन थे कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाए गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए आरटीआई लाया जाए और पब्लिक सर्विसेज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए ताकि वो यूनिफॉर्मिटी के साथ इंटेग्रिटी के साथ कार्य कर सकें और फिफ्थ पे कमीशन से पहले बात कर लेते हैं होटा कमेटी की या कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स ऑफ 2004 इसको होता कमेटी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट वाज़ हेडेड बाय पीसी होता और इस कमेटी ने भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन दिए इसमें यह रेकमेंड किया गया कि हायर सिविल सर्विस में जो एंट्री की एज है दैट शुड बी बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर और एस सी एस के लिए फाइव ईयर्स का रिलैक्सेशन होना चाहिए और ओ बी सीज के लिए थ्री ईयर्स का रिलैक्सेशन होना चाहिए साथ ही साथ ये भी रेकमेंड किया गया कि सिलेक्शन के समय पर एक लीडरशिप टेस्ट भी होना चाहिए और प्रोबेशनर्स को ट्रेनिंग के एक महीने के विदिन ही अलाउ कर देना चाहिए कि वो अपनी मनपसंद सर्विस को ऑप्ट कर सके अनदर इंपॉर्टेंट कमीशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ 2005, जिसके चेयरपर्सन थे श्री वीरप्पा मोइली इस कमीशन को भी एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन द्वारा बनाया गया था और इसके बाकी मेंबर्स थे वी रामाचंद्रन डॉक्टर एपी मुखर्जी डॉक्टर ए एच कारो जयप्रकाश नारायण और विनीता राय और इसका पर्पस भी यही था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बदलते समय के अनुसार रेलेवेंट बनाया जा सके टोटल पंद्रह रिपोर्ट्स प्रिपेयर की गई थी जिनमें पंद्रह सौ से ज्यादा रेकमेंडेशंस थे और बहुत से इश्यूज को कवर किया गया था जो कि थे फिनेंशियल मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बूस्ट प्रोवाइड करना एडमिनिस्ट्रेशन को पीपल ओरिएंटेड बनाना ऐसे मेजर्स तैयार करना और ऐसे प्लान को इम्प्लीमेंट करना जिसके थ्रू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को पावरफुल बनाया जा सके ऑल्सो इट इंक्लूडेड द इशू ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्रमोटिंग ई गवर्नेंस इंश्योरिंग गुड कंडक्ट इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज प्लानिंग द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट तो ये टोटल पंद्रह रिपोर्ट थी जिनका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं these dealt with the rti unlocking human capital entitlements and governance crisis management ethics and governance public order local governance capacity building for conflict resolution combating terrorism social capital refurbishing of personnel administration promoting e governance citizen centric administration organizational structure of government of india

The fifth, sixth and seventh pay commission. Fifth pay commission जो था, it was divided into 172 chapters जिसके 1600 pages थे. Main इसकी recommendations ये थी कि government employees को high salaries दी जाएं और cost cutting के लिए government workforce में 30% तक reduction लाया जाए. Also इसने privatisation को भी support किया. इसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा governmental administrations को privatis करने की ज़रूरत है. एज वेल एज कॉन्ट्रेक्टिंग आउट करने की जरूरत है आउटसोर्सिंग की जरूरत है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के थ्रू सर्विसेज को प्रोवाइड करे पब्लिक सेक्टर में डिस इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया गया परमिट लाइसेंस सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर देने की बात करी गई और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से रिप्लेस कर देना चाहिए सभी गवर्नमेंट सर्विसेज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ले आना चाहिए और सिटीजन चार्टर को भी लाना चाहिए इसके अलावा एक एंटी करप्शन एजेंसी भी लाने की जरूरत है जिसका एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो तो ये था फिफ्थ पे 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 कमीशन कमीशन ऑफ 1997। फिर उसके बाद आते हैं और कमीशन आया 2006 में जिसको हेड किया गया था बी एन श्री कृष्णा द्वारा इसका मेन रिकमेंडेशन यही था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट तीन रहेगा फिर आया सेवेंथ पे कमीशन जिसको की फॉर्म किया गया ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर्टीन में विच इज चेड बाय जस्टिस अशोक कुमार माथुर सेवेंथ पे कमीशन की रिकमेंडेशन ये थी कि गवर्नमेंट में जो मिनिमम पे होगी वो अट्ठारह हजार पर मंथ पर सेट होगी तो इनका मेन कंसर्न गवर्नमेंट इम्प्लॉइज की सैलरी से था फिर इसके बाद आती है बासवान कमेटी ऑफ टू जो कि एक रिटायर्ड आई ऑफिसर रह चुके हैं एज वेल एज फॉर्मर ह्यूमन रिसोर्स सेक्रेटरी ये कमेटी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से डील करती थी और इनकी रिकमेंडेशन थी कि एज लिमिट को रिड्यूस किया जाए थर्टी टू से नीचे लाया जाए जनरल कैटेगरी के लिए लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया साथ ही साथ इसने सजेस्ट किया कि ऑप्शनल पेपर को हटाया जाए वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ अनदर रिकमेंडेशन ये थी कि हर साल एक सौ अस्सी आई एस को रिक्रूट किया जाए इसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया सो दीज वर द इम्पोर्टेंट कमिटीज एंड कमिशन जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए तो हम टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं ये कह के इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन जनरल काफी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं सबसे पहला चैलेंज है उनका इंप्लीमेंटेशन या तो रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट ही नहीं किया जाता है या बहुत स्लोली इंप्लीमेंट किया जाता है और जब तक वो इंप्लीमेंट होते हैं वो रिफॉर्म्स ही अपना एग्जिस्टेंस और रेलिवेंस खो हो चुके होते हैं अनदर इज द चैलेंज विद द सिटीजेंस चार्टर सिटीजेंस चार्टर इंट्रोड्यूस जरूर करा गया बट आज भी लोगों में उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर्स भी एक प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहे हैं इस चार्टर के बारे में अवेयरनेस फैलाने में साथ ही साथ प्रॉपर कंप्यूटराइजेशन और नेटवर्किंग भी एक चैलेंज है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली एट द लोकल लेवल कंप्यूटराइजेशन और नेटवर्किंग प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन भी सफर करती है डिजिटल वर्किंग में प्रॉब्लम आती है ऑल्सो देर इज रेजिस्टेंस विद इन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर या चेंजेस को लेकर विदिन द एडमिनिस्ट्रेशन एक रेजिस्टेंस होती है बिकॉज दे आर स्टेटस को कुछ ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स ऐसे होते हैं जो यथास्थिति में बिलीव करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई चेंज आया तो इससे उनकी एग्जिस्टेंस को खतरा है उनकी पावर को खतरा है या उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी इस वजह से वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ही अगेंस्ट होते हैं और उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं और कई बार तो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा किया जाए भाड़ में जाए एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट बट वी कैन डिनाई दैट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस भी है ये एडमिनिस्ट्रेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करती है इन रिफॉर्म्स के थ्रू कोशिश की जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज पब्लिक पॉलिसी को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिवेंट किया जाता है ऑब्सिलीट होने से आउटडेटेड या पुराना होने से ना ही सिर्फ इसका पर्पस होता है एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लाना, बल्कि सोसाइटी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर एफिशिएंसी आएगी तभी तो वो अच्छे से काम कर पाएगी और लोगों तक सर्विसेज पहुंचा पाएगी जिससे एक सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो ये था हमारा आज का टॉपिक और इसी प्रकार कंप्लीट होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच आपका दिन शुभ हो